पहले तो हम लोग डिस्कस करते हैं आज की ट्रेनिंग के बारे में। आज जो ट्रेनिंग आप लोगों को मिलने वाली है वो ट्रेनिंग है पोर्टल की। आपको आप लोगों को सभी को जो पोर्टल स्टार हेल्थ की तरफ से मिला है उसे यूज कैसे करना है, उसका क्या यूज है पोर्टल का, उसमें कैसे कैसे आप पॉलिसी लॉग इन कर सकते हैं, कैसे आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है कंपनी ने, आप कैसे किसी की पॉलिसी लॉग इन करेंगे, ऑनलाइन केसेस कैसे उसमें से हम लोग पॉलिसी बना सकते हैं, ऑफलाइन पॉलिसी कैसे बनेंगी उसमें, तो वो सारे डिटेल्स आज हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो जहां तक मुझे नॉलेज है आप सभी को, सभी का कोड आ चुका है, सभी को पॉलिसी की नॉलेज लगभग थोड़ी बहुत है, सभी को पॉलिसी क्रिएट कैसे करनी है वो मैं गाइड करूंगी। तो डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, एक पहली चीज। सेकंड थिंग कि देखो मैं क्लियर यहाँ पे एक चीज डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पुट आउट करना है आप डायरेक्टली कर सकते हैं, मेरे से क्लियर कर सकते हैं यहाँ पर मीटिंग के थ्रू, क्योंकि जब तक हम लोगों का क्वेश्चन आंसर लाइक कन्वर्सेशन नहीं होगा तो ट्रेनिंग का कोई पर्पस नहीं होगा। मैं सिर्फ यहाँ एक बोल कर चले जाऊँ और आप लोगों को क्लियर ना हो या कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो मुझे भी ट्रेनिंग देने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए मैं क्लियरली चाहती हूँ कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है किसी भी तरह का तो आप डायरेक्टली मुझसे क्लियर कीजिए कि इस पोर्टल में मुझे ऐसा कोई कंफ्यूजन है, यहाँ ऐसा हो सकता है, या क्वेश्चन आंसर होंगे तो एक वो कन्वर्सेशन करने में, वो ट्रेनिंग देने में मुझे भी इंटरेस्ट आएगा और आप लोगों को भी समझने में इंटरेस्ट आएगा। तो मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैं आप लोगों को पोर्टल पर लेके चलती हूँ और उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये पोर्टल हम लोग का कैसे यूज होता है। तो आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को पोर्टल क्लियर है या नहीं। ये पेज आप सभी को क्लियर है, स्टार हेल्थ की वेबसाइट है हमारी ये। अगर आप सभी को क्लियर है तो प्लीज एक बार मुझे थंब शो कर देंगे, आप सिंबल के थ्रू मुझे लाइक क्लियर कर सकते हैं कि हाँ आप लोगों को क्लियर है, शो हो रहा है तो प्लीज थंब शो कर दीजिए एक बार। चलिए गुड, कल्याण जी का तो रिप्लाई आ गया मेरे पास, बाकी और लोग भी हमारे साथ ट्रेनिंग में हैं एड ऑन, अगर रिप्लाई कर देंगे तो बहुत बेटर होगा। सभी को क्लियर है स्क्रीन? चलो गुड, हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये है हमारा स्टार हेल्थ की वेबसाइट, इस वेबसाइट के थ्रू ही हमारा पोर्टल एक्सेस होगा, इस वेबसाइट के थ्रू ही हम सारा काम कर सकते हैं। ये देखिए अभी सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें आप सभी को जब कोड जनरेट हुआ होगा सभी के पास एक अपॉइंटमेंट लेटर अटैच होके आएगा एक मेल पर, बिजनेस कोड की मेल आईडी से। सबसे पहला काम होता है हमारा, उस जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर आया है उसमें एक लिंक आता है, ब्लू कलर का एक लिंक आता है मेल बॉडी पर, आप सभी को उस मेल बॉडी पर वो लिंक के ऊपर क्लिक करना है, अपना मेल को मेल आईडी को एक्टिवाइज करना है, मीन्स उसे सबमिट करना है। और करने के बाद में हमारे साथ और लोग ऐड हो रहे हैं, देख लेती हूँ मैं। और सबमिट करने के बाद में आप सभी को अपना अपना आईडी पासवर्ड जनरेट करना है, तो ये पहला स्टेप है हमारा। अब हमें यहाँ आईडी पासवर्ड, आप सभी ने लगभग अपना लिंक तो एक्टिवाइज कर ही लिया है, अब हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं आईडी पासवर्ड कैसे बनाना है। तो चलिए यहाँ देखो मैं आप सभी को शो करती हूँ, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर सभी को लॉग इन शो हो रहा है राइट साइड में, ये जो लॉग इन शो हो रहा है इसी पे हम लोग क्लिक करेंगे। ये देखिए लॉग इन पे क्लिक करते हैं, हम लोग के पास थर्ड नंबर पर ऑप्शन आ रहा है इंटरमीडिएटरी पोर्टल, देन उसके बाद एजेंट पोर्टल। हम लोगों को जो मिलता है वो एजेंट पोर्टल मिलता है, आप लोगों को जो प्रोवाइड किया है कंपनी ने वो एजेंट पोर्टल है आप लोगों का। जैसे ही एजेंट पोर्टल पे क्लिक करते हैं देन आपसे ये जो स्क्रीन है ये डिमांड करती है, वुड यू लाइक टू मूव न्यू एजेंट पोर्टल, यस ऑलवेज यस करना है आपको। ये पेज आपके सामने ओपन होगा, यहाँ अभी एक पोर्टल मैंने एक्सेस किया हुआ है तो यहाँ पर मैंने आईडी और पासवर्ड मेंशन किया है, लेकिन आप सभी का आईडी पासवर्ड जनरेटेड नहीं है तो आप लोगों को पहले रजिस्टर करना है। मैं यहाँ देखिए यहाँ रजिस्टर मेंशन है, मैं इस पे क्लिक करती हूँ और ये पेज ओपन होगा। ये देखिए ये पेज है जो आप लोगों के सामने ओपन होगा। फर्स्ट थिंग इज यहाँ वो कैटेगरी डिमांड कर रहा है, कैटेगरी किस चीज की है, तो आप लोग सभी एजेंट्स हैं आपको एट कैटेगरी एजेंट सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आपको अपना एजेंट आईडी, एजेंट आईडी इन द सेंस आप लोगों को जो कोड कंपनी ने जो कोड एजेंट कोड प्रोवाइड किया है BA4x0, उसके बाद 6 डिजिट का कोड होगा, वो कोड यहाँ मेंशन करना है आप लोगों को और उसके बाद नेक्स्ट करना है। जब नेक्स्ट करेंगे तो आप सभी के मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ मेंशन करना है और एक पासवर्ड जनरेट करना है आपको अपना। जब आप पासवर्ड जनरेट करेंगे तो उसके बाद आपका पोर्टल एक्सेस हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से शो होगा आप लाइक दैट। ये है एजेंट पोर्टल, यहाँ आप अपना एजेंट का आईडी मेंशन करेंगे, अपना पासवर्ड मेंशन करेंगे, देन लॉगिन करेंगे। देखिए मैं यहाँ आपको लॉगिन करके दिखाती हूँ, जो मैंने जो पोर्टल एक्सेस किया हुआ है मैं आपको वो शो करती हूँ। ये एजेंट पोर्टल है हमारा, ये हमें कंपनी ने प्रोवाइड किया है।
इस पोर्टल के थ्रू हमें अपने सभी पॉलिसीज, किसी भी कस्टमर की कोई भी पॉलिसी होगी जिसे हम ऑनलाइन लाइक कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम यहाँ से प्रोसेस करेंगे। अगर देखिए मैं यहाँ बात करती हूँ तो हमारे पास कुछ कुछ ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हैं, लाइक एटम क्रिएट पॉलिसी है, पेमेंट लिंक है, रिन्यूअल्स हमारे यहाँ शो होते हैं, अपॉइंटमेंट्स यहाँ शो होती हैं, अगर बात करते हैं तो क्लेम स्टेटस यहाँ मेंशन होता है, बिजनेस डिटेल आपने इस मंथ में कितना बिजनेस किया है कंपनी को वो भी आपको प्रोवाइड करती है कंपनी, कमीशन किस पॉलिसी के अगेंस्ट आपका कितना कमीशन आया है वो भी। तो ये पोर्टल पूरा आपको एक्सेस देता है सभी तरीके से। चलिए हम यहाँ बात करते हैं कि हमें किसी की पॉलिसी जनरेट करनी है ऑनलाइन तो वो कैसे होगी। अभी यहाँ तक सभी को क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? नो मैम, चलिए गुड, नो आगे। मैम, हाँ वेरी गुड, इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं आगे का। ये देखिए हमारे पास जो यहाँ डिटेल्स आ रही है रिन्यूअल्स है, एटम क्रिएट पॉलिसी फर्स्ट नंबर पर आता है, एटम क्रिएट पॉलिसी। हमें किसी की भी पॉलिसी बनानी है तो वो एटम क्रिएट पॉलिसी से जनरेट होगी। लिंक कैसे होगा मैं आप लोगों को वो भी गाइड करती हूँ। ये देखिए ये आप लोगों के सामने प्रपोजल ओपन होता है, एटम क्रिएट पॉलिसी से करेंगे तो ये प्रपोजल, ये चीज आपके पास, ये ब्रोशर्स जिसे मैं बोल सकती हूँ वो ओपन होते हैं। यहाँ देखिए कुछ आपको चीजें मैं बेनिफिट्स की हैं वो गाइड करती हूँ। मान लेते हैं मुझे किसी को कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, जो हमारी एक स्पेशल पॉलिसी है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की डिटेल्स भेजनी है तो कैसे? अगर आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव का ब्रोशर अवेलेबल नहीं है, जैसे वैसे तो मोस्टली हम सबको भेजते हैं बट बाय मिस्टेकनली किसी के पास नहीं है, फोन से फॉर्मेट हो गया, कोई और अदर प्रॉब्लम है, तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ से आप ये देखिए ये मेरे पास ब्रोशर ओपन हो गया, यहाँ पर इस ब्रोशर को मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकती हूँ और अपने पास सेव कर सकती हूँ। ये ब्रोशर ओपन है मेरे पास, तो इसी तरीके से मैं सभी पॉलिसीज का ब्रोशर अपने पास एक्सेस कर सकती हूँ। ये मैंने कॉम्प्रिहेंसिव का किया था, मैं अभी फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान है हमारा, हॉस्पिटल कैश है, क्लासिक है, बहुत सारे प्लान है स्टार हेल्थ के, सभी का मैं ब्रोशर यहाँ से डाउनलोड कर सकती हूँ। की बात अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं पॉलिसी जनरेट कैसे करना है। मान लेते हैं मैं यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जनरेट कर रही हूँ तो मेरे पास तीन ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे ब्रांच असिस्टेंट परचेज, कस्टमर परचेज एंड एजेंट असिस्टेंट परचेज। ये तीन लिंक मेरे पास यहाँ अवेलेबल हैं। अब तीनों का मैं आपको यूज बताती हूँ कि ये तीनों काम कैसे करते हैं। फर्स्ट है आपका ब्रांच असिस्टेंट परचेज। ब्रांच इन द सेंस आप ये जो पॉलिसी बुक कर रहे हैं वो ब्रांच के कोड में कर रहे हैं, तो ऑलवेज आपको ध्यान रखना है, याद रखना है अच्छे से इस चीज को कि कोई भी पॉलिसी जो आप बुक करेंगे वो ब्रांच असिस्टेड परचेज में नहीं जानी चाहिए। अगर आपने ब्रांच असिस्टेड परचेज के थ्रू, ये देखिए मैंने क्लिक किया है, यहाँ कस्टमर का नेम डिमांड करेगा, कस्टमर का फोन नंबर डिमांड करता है, देन ईमेल आईडी और प्रोसीड हो जाएगा। अगर इस लिंक के थ्रू आपने पॉलिसी जनरेट कर दी तो वो ब्रांच के कोड में बुक हो जाएगी, आपको उसका पे आउट नहीं मिलेगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, अगर मैं कस्टमर परचेज, अगर मैं इस लिंक पर क्लिक करती हूँ तो ये देखिए मैं इस लिंक पर भी क्लिक कर लेती हूँ। यहाँ पर यहाँ ऑप्शन है हमारे पास, कस्टमर नेम है, कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर है, देन कस्टमर की ईमेल आईडी है। ये तीन डिटेल्स आपको यहाँ डालनी है और इसको क्रिएट करना है। अच्छा अब इस लिंक के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को एक स्पेशल चीज है वो बता देती हूँ। कुछ कस्टमर ऐसे मार्केट में मिलेंगे आपको ना जो बहुत फसी होते हैं, लाइक अपने डिटेल्स नहीं देते हैं, वो जब आप उनसे डिटेल डिमांड करेंगे तो वो कहेंगे मुझे लिंक भेज दो, मैं अपने आप अपनी पॉलिसी बनाना चाहता हूँ, अपनी डिटेल्स खुद से मेंशन करूंगा, आपको डिटेल नहीं देंगे वो। तो उन लोगों के लिए हमारा ये जो लिंक है ये काम करता है। यहाँ हम सिर्फ कस्टमर का नेम, कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर और कस्टमर का मेल आईडी, सिर्फ ये चीजें हम यहाँ डालते हैं और कस्टमर के पास लिंक चला जाता है और वो लिंक जाता है ब्लैंक। उस ब्लैंक लिंक में कस्टमर अपनी डिटेल्स जो है मेंशन करता है, अपने डिटेल्स डालता है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, ईमेल आईडी, वो सब कुछ वो मेंशन, हाँ, डिटेल्स डालेगा और वो खुद पेमेंट करेगा। और पेमेंट करने के बाद विद इन अ 5 to 10 मिनट्स में पॉलिसी इश्यू हो जाएगी। ये इस लिंक का प्रोसेस है जिसमें आपको पॉलिसी जनरेट नहीं करनी है, कस्टमर अपनी पॉलिसी खुद जनरेट कर लेगा पेमेंट करने के बाद। तो इसका अगर मैं बताऊं, बेसिकली बात करूं तो हार्डली 5 मिनट्स का, 5% का ही कोई यूज होता है 100 में से। हम लोग जो बेसिकली 95% जो डील करते हैं, 95% जो काम करते हैं वो एजेंट असिस्टेड परचेज में करते हैं। ये देखिए चाहे वो आप हैं चाहे वो हम हैं, कोई भी है, हम लोगों का जो मेजरली यूज होता है वो एजेंट असिस्टेड परचेज में होता है। इसके थ्रू हम आज पॉलिसी जनरेट करेंगे, मैं आप लोग को अपनी पॉलिसी बना के यहाँ दिखाऊंगी, आप लोगों को गाइड करूंगी कि ये पॉलिसी कैसे जनरेट होती है। यहाँ देखिए मैंने एजेंट असिस्टेड परचेज पर क्लिक किया, कस्टमर का नेम डिमांड कर रहा है, मैं यहाँ अपना नेम मेंशन करती हूँ, फोन नंबर डाल रही हूँ यहाँ पे 7 2 8 9 8
0238 ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। मैंने यहाँ मेल आईडी मेंशन करती हूँ, मैंने यहाँ मेल आईडी मेंशन कर दी है cavyqvarma@gmail.com। इसके बाद मैं इसको फ्लोटर में कन्वर्ट कर रही हूँ। अगर देखो ऑनलाइन पेमेंट जा रही है तो ऑनलाइन पे क्लिक है, यहाँ पर इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर। मैं यहाँ फ्लोटर पॉलिसी जनरेट कर रही हूँ, अपने अपने हस्बैंड की दो लोगों की पॉलिसी जनरेट करेंगे। इसको क्रिएट कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने किस तरह का प्रपोजल फॉर्म ओपन होगा वो देख लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले वो बेसिक प्लान डिटेल्स डिमांड कर रहा है, स्टार्ट डेट। आप देखिए इस पे क्लिक करेंगे तो 29th of October ही लेगा, आज की जो डेट है 29th of October वो यहाँ क्लिक करेगा। इससे अगर प्रीवियस की बात करें तो वो 28, 27 या 26 तारीख की डेट पर नहीं जाएगा। ये देखिए मैंने अगर 28 पर लेके गई हूँ तो वो रेड मार्क कर रहा है, वो प्रीवियसली नहीं जाएगा। 29th पर क्लिक कर लेते हैं, स्टार्ट डेट 29th है तो एंड डेट ऑटोमेटिकली 28th of October 2021 हो जाएगा। पॉलिसी टाइप की बात कर लेते हैं तो पॉलिसी टाइप में ऑलवेज फ्रेश पॉलिसी करना है, ध्यान रखिएगा ऑलवेज फ्रेश करना है। पोर्टेबिलिटी का लिंक यहाँ से जनरेट नहीं करना है। तो यहाँ हमने फ्रेश पॉलिसी की। अब अगर मैं बात करूँ स्कीम की तो यहाँ 2A, 1A, 1C, इसका मीनिंग थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ 2A मीन्स टू एडल्ट, मतलब एडल्ट में काउंट होते हैं हस्बैंड और वाइफ, ये दो एडल्ट्स में काउंट होते हैं। 2A मीन्स टू एडल्ट, 1A, 1C मीन्स वन एडल्ट वन चाइल्ड, 1A+2C मीन्स वन एडल्ट टू चाइल्ड। मीन्स मैं बता देती हूँ, टू एडल्ट में काउंट हुए मैं और मेरे हस्बैंड, वन एडल्ट वन चाइल्ड में काउंट हुए मैं और मेरा एक बेटा बच्चा कुछ भी मतलब लाइक किड हो सकता है, और वन एडल्ट टू चाइल्ड में मैं और मेरे दो बच्चे काउंट होते हैं, वन एडल्ट थ्री चाइल्ड में मैं और मेरे तीन बच्चे काउंट होते हैं। इसी तरीके से टू एडल्ट प्लस वन चाइल्ड में हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा, ये फैमिली साइज। फैमिली साइज की बात करूं तो मैक्सिमम टू एडल्ट प्लस थ्री चाइल्ड की पॉलिसी हम दे सकते हैं 5 लोगों की, जिसमें हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे मैक्सिमम कवर होते हैं। चलिए मैं जो यहाँ लिंक बना रही हूँ वो टू एडल्ट का बना रही हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड दो लोगों के लिए। मैं मान लेते हैं यहाँ पे 10 लाख का लिंक जनरेट कर रही हूँ, सेम शॉर्ट 10 लाख रहेगा। इसके बाद मैं इसको प्रोसीड करती हूँ। ये देखिए मैंने इसको नेक्स्ट किया, अब हम यहाँ प्रपोजल फॉर्म पर आ जाएंगे। ये देखिए ये है हमारा प्रपोजल फॉर्म जो हमें यहाँ पर फिल करना है। चलिए मैं इसकी बात करती हूँ। मैंने यहाँ नेम ऑलरेडी मैंशन है क्योंकि मैंने यहाँ प्रीवियसली डाला हुआ है। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, मैं यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल लेती हूँ। मैंने यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाला है, मैंने ये डेट ऑफ बर्थ डाल लिया। अब यहाँ मेरे को ऑक्यूपेशन यहाँ मैं सेलेक्ट करना है अपना, मैं क्या करती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मैंने सर्विस यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। अगर कोई हाउस वाइफ है तो यहाँ हाउस वाइफ सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर कोई स्टूडेंट है, कोई लाइक प्रोफेशनल इंजीनियर है, डॉक्टर है, बिजनेस या जॉब करते हैं लाइक किसी तरह के बिजनेस है तो बिजनेस एंड ट्रेडर्स में जाएगा। कोई लॉयर है तो प्रोफेशनल लॉयर में जाएगा। तो यहाँ पर सभी तरह के जो है वो आपके पास ऑक्यूपेशन अवेलेबल है, तो आपको कस्टमर की ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद एनुअल इनकम की बात कर लेते हैं। एनुअल इनकम जो है वो मैंडेटरी है यहाँ फिल करना, फिर चाहे वो हाउस वाइफ ही क्यों ना हो। अगर कोई हाउस वाइफ है तो हम यहाँ 1 लाख भी डाल सकते हैं इनकम, लाइक रेंटल इनकम होगी, होम ट्यूशन होंगे या किसी भी तरह की कोई इनकम अर्निंग सोर्स होगा। तो मैं यहाँ पर अपनी इनकम डाल लेती हूँ, माना मैंने यहाँ पे इनकम डाला है 3 लाख, मैंने ये इनकम मेंशन कर ली। उसके बाद वो हम लोगों से डिमांड करता है जीएसटी टाइप। जीएसटी टाइप में क्या रहता है, देखिए आपको एक चीज बता देती हूँ, जीएसटी में हमें सिलेक्ट कुछ भी नहीं करना है, इसको ऑलवेज ब्लैंक छोड़ना है, क्योंकि हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से जीएसटी का क्लेम कभी भी नहीं मिलता है, तो इसको आपको ब्लैंक छोड़ना है। इसके बाद नेशनैलिटी डिमांड करता है, नेशनैलिटी में इंडियन सिटीजन ऑलवेज आपको सिलेक्टेड मिलेगा। नेक्स्ट आता है लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार नंबर। हम सभी के पास आज की डेट में आधार कार्ड अवेलेबल है, तो जिन लोगों के पास आधार कार्ड है उनका लास्ट के 4 डिजिट यहाँ आपको मेंशन करने हैं, पूरा आधार नंबर मेंशन नहीं करना है, ओनली 4 डिजिट। तो चलिए मैंने यहाँ 1234 सिलेक्ट कर लिया है। सपोज मेरे आधार कार्ड का नंबर लास्ट में 1234 है, मैंने सिलेक्ट किया है। अगर किसी के पास है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, चलेगा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद पूछा डू यू हैव एन पैन नंबर, अगर किसी के पास पैन नंबर है तो इसे येस करेंगे और यहाँ पैन नंबर मेंशन करेंगे। अगर किसी के पास पैन नंबर नहीं है तो उसको नो करेंगे और स्किप कर देंगे हम आगे। नेक्स्ट हम चले जाते हैं, डू यू हैव एन EIA नंबर। EIA को नंबर को आपको ऑलवेज नो करना है। इसका मीनिंग बता देती हूँ, EIA नंबर का मीनिंग होता है
कुछ लोग को बहुत ज्यादा इंश्योरेंस लाइक डिफरेंट डिफरेंट तरह के इंश्योरेंस परचेज करते हैं, तो वो अपने सभी इंश्योरेंस को किसी एक नंबर से लिंक कर लेते हैं, तो उसे जो है अगर मैं बात करूँ तो EIA नंबर कहते हैं। तो वो आज के डेट में बहुत ही कम, बहुत ही रेयर किसी के पास अवेलेबल होगा, बट नहीं मिलेगा। तो इसको हम ऑलवेज नो करेंगे और हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो डिमांड करे डू यू हैव एनी अदर हेल्थ इंश्योरेंस, तो उसको नो करना है आपको, कोई अदर हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग आपको नो ही करना है। अगर आप यस करेंगे तो वो आपसे और डिमांड करना स्टार्ट कर देगा लाइक प्रीवियस हेल्थ इंश्योरेंस के डिटेल। तो इसको नो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन एड्रेस, जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ हमें अपनी पॉलिसी की हार्ड कॉपी चाहिए, वो हमें यहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस मेंशन करना है। तो लाइन 1 और लाइन 2 दोनों में ही एड्रेस लिखना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं कि आधा मतलब यहाँ नहीं लिखा और आधा वहां लिख दिया, ब्लैंक नहीं होना चाहिए, दोनों ही लाइंस में कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ डालती हूँ, मैंने जैसे यहाँ सपोज एक एड्रेस सेलेक्ट किया कम्युनिकेशन लाइन 2 में, मैंने यहाँ डाल दिया। देन पिन कोड, पिन कोड की बात करती हूँ तो मैंने यहाँ पिन कोड डाल दिया। चलिए मैंने पिन कोड डाल दिया। आप देखेंगे पिन कोड के बाद वो बेसिक डिटेल्स, बाकी स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट है, एरिया है, सिटी विलेज है, ऑटोमेटिक उसने अपने आप ले लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजिडेंस एड्रेस सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस। तो जिन लोगों का सेम है तो वो सेम कर सकते हैं इसको, और जिन लोगों का सेम नहीं है, कुछ लोगों का रेजिडेंस एड्रेस अलग होता है लाइक परमानेंट अलग होता है और कम्युनिकेशन एड्रेस अलग होता है, तो वो डाल सकते हैं यहाँ पर अलग अलग, डजेंट मैटर। अगर सबका सेम है तो फिर इसे सेम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वो कंफर्म करता है सोशल स्टेटस, मीन्स जो कस्टमर है वो BPL फैमिली फैमिली से कैटेगराइज है क्या, तो इसको ऑलवेज नो करना है क्योंकि आई डोंट थिंक सो कोई BPL कैटेगरी से भी होगा, तो इसको नो करना है। इसके बाद बात कर लेते हैं बैंक डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल। देखिए यहाँ पर एक कंडीशन की बात करती हूँ, बैंक डिटेल्स आर मैंडेटरी इफ प्रीमियम इज ग्रेटर देन 25,000। आपको हमेशा ध्यान रखना है स्टार हेल्थ के अंदर अगर किसी पर्सन का प्रीमियम अबव 25,000 है तो बैंक डिटेल्स आर मैंडेटरी, बिना बैंक डिटेल के जो लिंक है वो प्रोसीड नहीं होगा, बैंक डिटेल्स मैंडेटरी है। तो यहाँ अगर मान लेते हैं किसी का प्रीमियम 25,000 अबव है तो ही सिलेक्ट करना है, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं हम। नेक्स्ट हम अगर आएंगे तो यहाँ नॉमिनी की डिटेल डिमांड कर रहा है। नॉमिनी में अगर हस्बैंड वाइफ की पॉलिसी है, वाइफ के नाम से पॉलिसी बन रही है तो हस्बैंड नॉमिनी होंगे, हस्बैंड के नाम से पॉलिसी बन रही है तो वाइफ नॉमिनी होंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। बच्चों को हम नॉमिनी में नहीं रख सकते हैं, बच्चे नॉमिनेशन में नहीं आते हैं, 18 साल से कम के बच्चे नॉमिनेशन में नहीं आएंगे। अगर आप बच्चों को नॉमिनेशन में रखेंगे तो उसके साथ आपको एक अपॉइंटी भी सिलेक्ट करना होगा, तो बेटर है बहुत ज्यादा करने से अच्छा आप किसी भी मदर फादर को भी रख सकते हैं, ब्रदर सिस्टर को भी रख सकते हैं, तो वो चलेगा आपका। मैंने चलिए मैंने अपने नाम से पॉलिसी जनरेट कर रही हूँ तो मैं यहाँ अपने हस्बैंड को रख लेती हूँ। चलिए मैंने यहाँ एक नाम सेलेक्ट किया है, एज डाल लेती हूँ मैं लगभग 35 मैंने यहाँ डाल दी। रिलेशन सेलेक्ट कर लेते हैं स्पाउस, हस्बैंड सेलेक्ट किया है मैंने यहाँ पर, क्लेम 100%। ये है फर्स्ट पेज, आप देखिए आपके पास यहाँ मेंशन भी होगा ऊपर स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 1 हम कर चुके हैं, बेसिक प्लान की डिटेल जो थी, प्रपोजल की डिटेल ये मैंने यहाँ फिल कर दी है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक अभी डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी को भी कुछ ना समझ आया तो आप बता सकते हैं, हम डिस्कस कर लेंगे। आप बताइए क्लियर है इतना, प्लीज थम यस शो मैम। कर सकते हैं। अगर थम शो कर देंगे तो मेरे लिए भी अच्छा होगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आप लोगों को क्लियर है। चलिए गुड, वेरी गुड। सोनाली जी का तो थम शो हो गया, कल्याण जी हैं, चलिए वेरी गुड, आप लगभग सभी को क्लियर हो गया है। ठीक है इतना क्लियर है, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। ये हम नेक्स्ट क्रिएट करेंगे, ये मैं नेक्स्ट पर चली गई, पेज नंबर 3, स्टेप 3 जिसे हम लोग बोलते हैं। कि देखिए मैंने दो लोगों की यहाँ पॉलिसी जनरेट कर रही हूँ, हस्बैंड एंड वाइफ, मैं और मेरे हस्बैंड दो लोगों की पॉलिसी है। यहाँ देखिए पेज पर इंश्योर्ड 1 एंड इंश्योर्ड 2, दो लोग। अब अगर यही पॉलिसी मैंने वन चाइल्ड की भी साथ में ली होती, हस्बैंड वाइफ और एक किड की पॉलिसी ली होती, तो यहाँ इंश्योर्ड 3 भी मेंशन होता। अगर हस्बैंड वाइफ दो बच्चों की पॉलिसी बनाती तो यहाँ इंश्योर्ड 1, इंश्योर्ड 2, 3 एंड 4 वो भी मेंशन होता। तो अभी हम दो लोगों की जनरेट करते हैं, इंश्योर्ड 1 यहाँ सिलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ रिलेशनशिप विद प्रपोजर, प्रपोजर के साथ में जिनकी हम पॉलिसी ले रहे हैं उनका क्या रिलेशन है,
तो प्रपोजल पॉलिसी में मैं ही हूँ, तो मेरा रिलेशन यहाँ सेल्फ में काउंट होगा, मैं सेल्फ हूँ। देखिए सेल्फ सेलेक्ट करते ही मेरा नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली यहाँ सिलेक्टेड हो गया। जेंडर की बात करें तो फीमेल हो गया। हाइट की बात कर लेते हैं तो लगभग 162 सेंटीमीटर। वेट की बात कर लेते हैं तो 60 kg वेट होगा। ऑक्यूपेशन ऑलरेडी सिलेक्टेड है। हेल्थ हिस्ट्री, अब यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी को भी कोई हेल्थ हिस्ट्री है आप जिनकी पॉलिसी बना रहे हैं तो यहाँ येस करना है, और अगर नहीं है तो नो करना है और आगे बढ़ना है। अब अगर किसी की कोई लाइक हेल्थ हिस्ट्री है, किसी को बीपी है, शुगर है, या कोई सर्जरी भी हो रखी है किसी की, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे और उसके डॉक्यूमेंटेशन यहाँ अपलोड होंगे। कैसे होंगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए, डू यू हैव एनी हेल्थ प्रॉब्लम, सपोज मैंने यहाँ येस किया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है यहाँ पर कि क्या हेल्थ प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, या एनी अदर डिसीज। चलिए मैंने एनी अदर डिसीज डाल दिया। उसके बाद वो डिमांड कर रहा है कि यहाँ जो जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करिए, इनको क्या प्रॉब्लम है। मैंने मान लेते हैं सर्जरी इन लेग यहाँ पर मेरे पास है, मैंने सर्जरी यहाँ सेलेक्ट कर लिया कि कोई सर्जरी हुई है, ठीक है। इसके बाद एक ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, बाय बैक पीडी कवर। इसका मीनिंग बता देती हूँ आपको। ये जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है इसके अंदर बाय बैक पीडी का एक ऑप्शन अवेलेबल है। अगर किसी भी पर्सन को कोई पुरानी बीमारी है, लाइक शुगर है, थायराइड है, अस्थमा है, कोई और अदर डिसीज हो सकती है, अगर किसी को वो डिसीज है तो बात कर लेते हैं वेटिंग पीरियड की। 3 साल के बाद कंपनी कवर करती है, एज पर कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग कंपनी आफ्टर 3 ईयर्स को कवर करेगी, ठीक है। बट अगर कोई चाहता है कस्टमर कि मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके इस जो बाय बैक पीडी है इसे 1 ईयर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ठीक है, हम 1 ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ 1 ईयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसको यस करेंगे, और अगर नहीं करना चाहते तो नो करेंगे। दोनों ही ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर हम यहाँ यस करते हैं तो प्रीमियम एक्स्ट्रा जाएगा कस्टमर का, कस्टमर को कुछ लाइक 30-35% जो है अप्रोक्सीमेट एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होता है। फाइनल डिसीजन लेकिन तब भी कंपनी का होता है कि मैक्सिमम कितना जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है कंपनी डिमांड कर रही है वो कंपनी डिसाइड करेगी। तो मैंने यहाँ नो किया, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर्सनल एक्सीडेंटल डिटेल मांग रहा है, डज योर ऑक्यूपेशन रिक्वायर यू टू एंगेज इन मैनुअल लेबर। या हमसे हमारा ऑक्यूपेशन डिमांड किया जा रहा है कि जो हमारा जो वर्क प्रोफाइल है वो किस तरह का है, क्या मैं मैनुअल लेबर लेबर टाइप का काम करती हूँ। क्योंकि बात करते हैं कैटेगरी की, ऑक्यूपेशन की, अगर वो लेबर कैटेगरी का होगा तो डेफिनेटली वहाँ एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे मैं एडमिन प्रोफाइल में हूँ, यहाँ पर ऑफिस में बैठ के काम करती हूँ, तो कोई मेरा लेबर कैटेगरी में काम नहीं आता है, तो मैं इसको नो करती हूँ, देन मूव करती हूँ आगे। नेक्स्ट वो पूछ रहा है, डू यू एंगेज इन प्रपोज टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी और स्पोर्ट विच इज लाइक किसी भी डिफरेंट इस तरह का कोई वर्क जहाँ आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस का यूज रहा हो या कोई मेजर पहले प्रॉब्लम रही हो उस तरह की। तो मैंने इसको भी यहाँ पर नो किया है। वो स्पेसिफाई करने के लिए कह रहे हैं मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम पहले भी नहीं रही है और इन फ्यूचर अभी भी ऐसी कोई चीजें नहीं है, तो मैंने इसको नो किया। नेक्स्ट यहाँ पर्सनल एक्सीडेंटल कवर डिमांड कर रहा है, ऑटोमेटिकली प्रपोजल यहाँ सिलेक्ट होकर आएगा। इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर लेती हूँ। देखिएगा नेक्स्ट में नहीं जाएगा ये, जी ये नहीं गया। रीजन, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ इंश्योर्ड 1 की डिटेल फिल की है, इंश्योर्ड 2 मतलब हस्बैंड की डिटेल तो मैंने यहाँ डाली ही नहीं, तो ये मूव नहीं करेगा। चलिए यहाँ पर अब हम लोग अपने मैं अपने स्पाउस की अपने हस्बैंड की डिटेल मेंशन करती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ स्पाउस सिलेक्ट किया, नेम डाल लेते हैं। मैंने यहाँ निशांत कुमार एक नेम सिलेक्ट कर लिया है, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर मैंने 09091886 की डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर ली है। जेंडर की बात कर लेते हैं तो जेंडर यहाँ पर मेल सिलेक्ट हो गया। हाइट की बात करते हैं 165 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा हाइट जो जाएगी वो सेंटीमीटर्स में ही जाएगी, फुट में या इंचेस में नहीं जाएगी, तो आपको सेंटीमीटर्स में हाइट जो है वो मेजर करके रखनी है। एक टेंटेटिव आइडिया आप गूगल के थ्रू भी उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं वेट की, तो मैंने यहाँ वेट 65 मान लेते हैं ले लिया। अब यहाँ डिमांड करेगा कि जो हस्बैंड है उनका वर्क प्रोफाइल क्या है। चलिए मैं यहाँ इस बार बिजनेस डाल लेती हूँ, लास्ट टाइम मैंने अपनी प्रोफाइल सर्विस मेंशन की है, अभी मैं उनका बिजनेस मेंशन कर देती हूँ कि जी मेरे हस्बैंड जो है वो बिजनेस करते हैं। उसके बाद यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम के लिए डिमांड कर रहा है वो, डू यू हैव एनी हेल्थ प्रॉब्लम। नो, मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्सनल एक्सीडेंटल डिटेल, वो मैनुअल लेबर में काम करते हैं, नहीं। कोई प्रीवियस डिटेल रही है, इंजरी रही है, नो। कोई मैंने नो किया इन नेक्स्ट कर लिया। इनवैलिड डेट,
एक सेकंड में, हाँ अगेन डाल लेती हूँ, 09091. ठीक है, ये देखिए प्रीमियम निकल कर आया है 18,361. ये देखिए यहाँ पर आपको सब कुछ शो होगा. ये देखिए एडवाइजर का कोड शो हो रहा है, एडवाइजर का कांटेक्ट नंबर शो करेगा. टोटल प्रीमियम, दो लोगों की पॉलिसी बना रही हूँ, 10 लाख का सम एश्योर्ड है. प्रीमियम, बेसिक प्रीमियम कितना है, जीएसटी कितना है, और फाइनल प्रीमियम विद जीएसटी कितना है, सब आप सभी कुछ आपको आपके पोर्टल पर शो होगा. इसके बाद ये आपके सामने फाइनल पेज एक यहाँ पर आपके सामने मेंशन है, इसमें सारी डिटेल्स अभी तक जितने भी मैंने फिल किए हैं इस प्रपोजल में आपको सब कुछ दिखेगा. मान लेते हैं यहाँ पर, जब मैंने मान लेती हूँ एज अ मैं एजेंट हूँ, मैंने यहाँ कुछ मिस्टेक कर दी. अगर मैं बात कर लेती हूँ, चलिए कॉन्टेक्ट नंबर की बात करते हैं. मैंने जो ये अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है यहाँ पर, इसमें कुछ मिस्टेक कर दी मैंने, फोन नंबर गलत हो गया कस्टमर का, इसको एडिट करना है अब. तो ऐसा नहीं है कि हमें पूरा लिंक दोबारा से बनाना पड़ेगा, डजन ऐसा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. हम यहाँ प्रपोजल डिटेल में, ये देखिए पेंसिल मार्क बना हुआ है, इसके ऊपर जाएंगे, ये मुझे अगेन बैक ले जाएगा, और आपकी बाकी डिटेल्स भी कहीं भी कुछ लाइक डिलीट नहीं होंगी यहाँ से. ये देखिए फोन नंबर है, आप देखिए यहाँ पे मैंने लास्ट में 48 लिखा हुआ है, मान लेते हैं मैं इसे 47 कर लेती हूँ. ठीक है, मैंने इसे 47 किया और मैं इसको अब प्रोसीड कर रही हूँ. अगेन मैं सेम पेज पर जाऊंगी, ये मैं लास्ट पेज पर आ गई. अब यहाँ पर ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ फोन नंबर अपडेट. ये देखिए फोन नंबर अपडेट हो गया है, 47 हो गया है यहाँ पर, पहले 48 था, अब 47 हो गया है. चलिए नेक्स्ट, अब मैं दिखाती हूँ आपको ये लिंक उनका जनरेट, ये पॉलिसी जनरेट हुई है, लिंक नहीं ये पॉलिसी जनरेट हुई है, मैंने ये पॉलिसी बनाई है. ये देखिए हिमाक्षी और निशांत कुमार दो लोगों की पॉलिसी दिख रही है. फाइल टाइप, अब यहाँ आपको अटैचमेंट करना है, आईडी प्रूफ अटैच करना मैंडेटरी है, तो मैं यहाँ एज प्रूफ अटैच करूंगी. आप देखिए यहाँ पर ना एक नोटिफिकेशन दिखेगा आपको, एक आईआरडीए की गाइडलाइंस कुछ आई हुई है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ. आप किसी भी कस्टमर की पॉलिसी बना रहे हैं और उनका आईडी प्रूफ अटैच कर रहे हैं इसके अंदर, तो ध्यान रखना है आपको आधार कार्ड अगर आप अटैच कर रहे हैं तो आधार कार्ड के आपको स्टार्टिंग के 8 डिजिट हाइड करने हैं, 8 डिजिट हाइड करने हैं. और जो बारकोड होता है आधार कार्ड के ऊपर, चाहे वो फ्रंट में हो चाहे वो बैक में हो, आपको आधार कार्ड भी जो बारकोड होता है उसे भी आपको एडिट करना है, हाइड करना है, उसके ऊपर कुछ भी लाइक क्रॉस मार्किंग करनी है. हम लोग के मोबाइल में आजकल सभी के पास एंड्रॉइड फोन है, सभी के एंड्रॉइड फोन के थ्रू वो हो सकता है, पॉसिबल है. आप अपने फोन में गैलरी में जाके उस जो इमेज है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर एडिटिंग कर लेंगे, लाइक उसको आपको क्रॉस करना है, हाइड करना है, जो स्टार्टिंग के 8 डिजिट है वो, और जो बार कोड है वो. ये मैंडेटरी है, अगर आपने ये नहीं किया तो कंपनी से आपके पास मेल आएगी अगेन एंड अगेन. तो ये ध्यान रखना है, आपको आधार कार्ड की डिटेल्स हाइड करनी है. तो चलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रही हूँ, ये देखिए मेरे पास ये टेंशन, एक कंपनी एक नोटिफिकेशन दिखा रही है मुझे बार बार कि फर्स्ट 8 डिजिट ऑफ आधार कार्ड नंबर आर मार्क्ड इन केस ऑफ आधार कार्ड इज अपलोडेड. अगर आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो, अगर पैन कार्ड कर रहे हैं तो फिर पैन कार्ड में कुछ भी हाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कर सकते हैं. तो चलिए मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ, और एक इमेज यहाँ मैं सिलेक्ट करती हूँ जो भी मेरे पास डेस्कटॉप पर अवेलेबल होगी. चलिए मेरे पास एक इमेज थी, मैंने इस इमेज को यहाँ सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और ये मैंने लिंक सेंड कर दिया. ये देखिए नोटिफिकेशन सेंड सक्सेसफुली, ये लिंक चला गया आप कस्टमर के पास. यहाँ एजेंट का रोल खत्म, मीन्स एजेंट ने कस्टमर को लिंक भेज दिया. अब काम स्टार्ट कहाँ होता है, जब कस्टमर पेमेंट करेगा. अब ये लिंक जब कस्टमर की मेल आईडी पर गया होगा तो बता देते हैं आप लोगों को कि किस तरीके से शो करेगा, मैं वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को सभी को, कि वो लिंक कैसे जाता है, कैसे ओपन होता है. और यहाँ भी अगर कुछ गलती हुई है एजेंट के थ्रू, कोई टाइपिंग एरर हो गई है, कुछ गलत लिख दिया है उसके अंदर, कुछ गलत मेंशन कर दिया है, तो कस्टमर खुद से कैसे चेंज करेगा. तो यहाँ तक सभी को क्लियर है मुझे बताइए, इसके बाद हम लोग आगे पेमेंट मोड पर जाएंगे. यहाँ तक बताइए सभी को क्लियर है, चलिए वेरी गुड. और भी मैं देख लेती हूँ, और भी लोग हमारे साथ एड ऑन है. यहाँ तक सभी को क्लियर है, प्रीतम जी, अरुण जी, विष्णु जी, अंकित जी, हाँ जी ठीक है. वेरी गुड. अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब हम लोग, मैं अपनी मेल आईडी पर आप सभी को लेके चलती हूँ. मैं वहां दिखाती हूँ कि लिंक किस तरीके से आया होगा हमारे पास, और उस लिंक को हम कैसे क्लियर लाइक क्लिक करते हैं, और किस तरीके से वहां हम पेमेंट गेटवे पेमेंट मोड तक जाएंगे. तो चलिए
ये मेल आईडी मेरे पास ओपन है, ये देखिए मेरे पास यहाँ अपडेट्स में आया है एक एटम नोटिफाई, ये देखिए सबसे पहला लिंक शो कर रहा है मुझे एटम नोटिफाई। एटम नोटिफाई से शो करता है असिस्टेड पॉलिसी परचेज। एक चीज आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है इस चीज के लिए कि जब भी हम किसी की पॉलिसी जो जनरेट करते हैं सेम कस्टमर के पास जाता है। ये देखिए स्टार हेल्थ लिखा हुआ है, असिस्टेड पॉलिसी परचेज यहाँ मेंशन है, स्टार कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ मेंशन है। मैंने इसे लिंक को क्लिक किया, यहाँ आ रहा है मेरे पास, ये देखिए इस तरीके से मेंशन होगा टेक अनदर स्टेप। ठीक है, इस तरीके से जा रहा है। इसके बाद यहाँ हम जाते हैं परचेज अ हेल्थ पॉलिसी, मैंने यहाँ क्लिक किया, देखिए ये किस तरीके से मेरे पास यहाँ ओपन होता है, आप लोगों को शो करती हूँ मैं। ये देखिए आप लोगों को ध्यान होगा कि जब इससे पहले जब मैंने लिंक भेजा था मेल आईडी पर तो वो लास्ट पेज यही था सेम, ठीक है, और यही सेम लास्ट पेज जो है वो आपके कस्टमर को शो होगा। अब यहाँ पर भी एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, मान लेते हैं जो फोन नंबर मैंने वहां चेंज किया था, मैंने यहाँ 47 किया था, देखते हैं 47 आया भी है या नहीं। ये देखिए 47 आया है, बिल्कुल करेक्ट। अब मान लेते हैं जी कस्टमर को बाद में ध्यान आया कि नहीं जी मेरा नंबर तो 48 ही है, आप इसको 480 करके दो, मुझे 7 नहीं चाहिए। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, इसको कस्टमर को हमें दोबारा लिंक बना के भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टार हेल्थ के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कस्टमर खुद से अपने लिंक को एडिट कर सकता है। तो हम यहाँ बात करते हैं, मैंने प्रपोजल डिटेल के ऊपर अगेन वो जो पेंसिल मार्क है उस पर क्लिक किया, ये मैं एज अ कस्टमर कर रही हूँ, ये ध्यान रखिएगा, अभी मैं एज अ कस्टमर हूँ, पहले मैंने एज अ एजेंट काम किया था, अब मैं एज अ कस्टमर काम कर रही हूँ। चलिए ये मैंने लिंक देखा, मैंने इसको अगेन 48 कर दिया, ठीक है। बाकी डिटेल्स यहाँ वेरीफाई करनी है कस्टमर को अपनी कि मेरी डिटेल्स जो फिल होकर आई है वो करेक्ट है, क्योंकि अगर यहाँ गलती होगी तो पॉलिसी में भी गलती, जो कंपनी से जो उनकी पॉलिसी आएगी चाहे वो हार्ड कॉपी हो चाहे वो सॉफ्ट कॉपी हो चाहे वो कार्ड्स हो, उसमें भी मिस्टेक होकर आएगी, तो वो बाद में एंडोर्समेंट जाने से बेटर है कि यहाँ हम अपनी चीजों को बिल्कुल करेक्ट डालें। तो यहाँ देखते हैं हम बाकी सब चीजें, मैंने वेरीफाई की एज अ कस्टमर, बिल्कुल क्लियर है, ओके है। मैं इसको प्रोसीड करती हूँ, यहाँ देखिए मैंने यहाँ सेल्फ अपने डिटेल्स देखी, इन शॉर्ट टू में मैंने अपने हस्बैंड की डिटेल भी चेक कर ली, जी ओके है, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब हम इसको नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे गई, ये लास्ट पेज है, यहाँ मैंने डिटेल्स अपनी अच्छे से और वेरीफाई कर ली, पूरा एड्रेस एंड ऑल सब कुछ चेक किया, उसके बाद में इसको लास्ट में जाएंगे तो सबमिट प्रपोजल पे जाना है, तो सबमिट किया और एक ओटीपी जाएगा, ये प्रोसेस है। अब ये ओटीपी आया है मेरे मोबाइल पर, मेरे नंबर पर एक ये ओटीपी आया है, मैं चेक कर लेती हूँ, अभी ओटीपी नहीं आया मेरे पास, कई बार 2 to 3 मिनट्स लग जाते हैं ओटीपी जाने में, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे ही ओटीपी आएगा हम यहाँ ओटीपी मेंशन करेंगे अपना, और ओटीपी मेंशन करने के बाद हम डायरेक्ट पेमेंट गेटवे पर जाएंगे। पेमेंट गेटवे भी आप लोगों को शो करूंगे कि वो किस तरीके से शो होता है, किस तरीके से, क्योंकि देखो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, जो कहते हैं जी हाँ मुझे तो ऑनलाइन पेमेंट करने आती है मैं पेमेंट कर सकता हूँ। कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिनको ऑनलाइन पेमेंट नहीं करने आती है, आपको वहाँ गाइड करना होगा उन लोगों को कि अगर आप अपना एटीएम कार्ड यूज करते हैं, डेबिट कार्ड यूज करते हैं, तो पेमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, वो आपको गाइडेंस, इसीलिए पहले आपको आना चाहिए तब आप अपने कस्टमर को गाइड करेंगे। तो चलिए मेरे पास ओटीपी आ गया है, ओटीपी है मेरे पास 132434, ये ओटीपी है, मैंने इसको वेरीफाई किया, यहाँ तक सभी को क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी तरह की। अगर किसी कस्टमर के पास लिंक गया है तो कस्टमर को किस तरीके से उसको एडिट करना है, इतना समझ में आया सभी को, क्लियर है? यस मैम, हम शो कर दीजिए अगर क्लियर है तो। मैम कोई कैश करे तो? अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद में बताती हूँ, अगर कोई कैश देगा तो कैसे करना है और चेक देगा तो कैसे करना है, एक बार ऑनलाइन का प्रोसेस क्लियर कर लेते हैं पहले, ठीक है।
चलिए देखिए, ये मेरे पास लास्ट पेज ओपन हुआ है जिसमें मैं अपनी डिटेल्स चेक कर रही हूँ। यहाँ मेडिकल डिक्लेरेशन ऑलवेज नो करना है। लास्ट में जाएंगे हम तो हमसे वो टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने के लिए कह रहा है, एक्सेप्ट कर ली देन पे नाउ। ये पेमेंट गेटवे हमारे पास ओपन हो गया। आप देखिएगा ये पेमेंट गेटवे है जिसमें हम अपने किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ एक ऑप्शन ईएमआई का भी अवेलेबल है, बट अभी स्टिल ईएमआई स्टार्ट नहीं हुई है, चल रहा है प्रोसेस। में भी इन फ्यूचर ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी, बट स्टिल अभी इन प्रोसेस है, तो ईएमआई पे अभी आप लोगों को नहीं जाना है। ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चलिए मैं एक बार कार्ड की बात कर लेती हूँ। तो मुझे अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी है, तो मैं अपना यहाँ कार्ड नंबर डालूंगी, एक्सपायरी डेट डालूंगी, सीवीवी नंबर डालूंगी, कार्ड के ऊपर किसका नेम मेंशन है वो डालूंगी और प्रोसीड करूंगी। उसके बाद एक ओटीपी जाएगा, जिसका भी कार्ड होगा, आप जिसके भी कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं उनके पास एक ओटीपी जाएगा, और उसके बाद यहाँ अमाउंट मेंशन करना और पेमेंट हो जाएगी। तो इतना ही प्रोसेस है। ये तो हुआ ऑनलाइन का प्रोसेस। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, चलिए मैं एक बार स्क्रीन अपनी बड़ी कर लेती हूँ। अब इसके बाद मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि इतना तो क्लियर है, अब ये तो प्रोसेस हुआ हमारा, कोई ऑनलाइन कस्टमर पेमेंट कर रहा है। अब अगर कोई कैश देता है तो कैसे करेंगे? क्योंकि कैश वाले ऑप्शन में तो हम सिस्टम में जा ही नहीं सकते। यहाँ एक ऑप्शन अवेलेबल है, अगर कोई कस्टमर आपको कैश दे रहा है तो उस केस में आप लोगों को उनसे कैश लेना है और अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी है, चाहे वो अपने डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, किसी से भी कर सकते हैं। क्योंकि ये ऑटो डेबिट तो मोड है नहीं, जो नेक्स्ट टाइम आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट ईयर फिर कस्टमर को पे करना होगा, तो आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं और कैश अपने पास रख सकते हैं। एक ऑप्शन ये अवेलेबल है। या सेकंड ऑप्शन इज ये अवेलेबल है कि वो जो कैश कस्टमर आपको देगा वो कैश आप अपने नियर बाय किसी भी एचडीएफसी बैंक में डिपॉजिट कराएंगे, और डिपॉजिट कराने के बाद उस कैश के डिपॉजिट स्लिप मुझे शेयर करेंगे और उसके बेसिक डिटेल्स मुझे शेयर करेंगे। पॉलिसी यहाँ से मैं जनरेट करूंगी। अगर ऑनलाइन पेमेंट होती है तो वेल एंड गुड है, अगर ऑफलाइन पेमेंट जाएगी तो उसमें 2 to 3 days का टाइम लगता है। हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को कि किसी भी तरह से अगर आप ऑफलाइन प्रोसेस में जा रहे हैं तो पॉलिसी ऑनलाइन जनरेट नहीं होती है। ऑनलाइन में तो जब तक कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं होगी तब तक पॉलिसी तो हार्डली 5 से 10 मिनट लगता है और पॉलिसी इश्यू हो जाती है। जिसमें हम मेडिकल डिक्लेरेशन को डाल रहे हैं, किसी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, उस केस में टाइम लग सकता है, क्योंकि वो जो केस है वो MAR में जाता है, हमारे जो अंडरराइटर डॉक्टर्स हैं उनके पास जाता है। और जिस केसेस में हम चेक डिपॉजिट करा रहे हैं, चेक या कैश जमा करा करा रहे हैं बैंक के अंदर, उस केसेस में 2 to 3 days का टाइम लगता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इतना ही प्रोसेस है किसी के भी पॉलिसी जनरेट करने का। ये सब आप लोग ट्राई कीजिएगा खुद से। आप सभी के पास अगर सिस्टम, कंप्यूटर, लैपटॉप कुछ भी अवेलेबल है तो वेल एंड गुड है, आप ट्राई कीजिएगा। नहीं है तो इसके लिए भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, तब भी आप सभी अपने अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, स्टार एटम, ATOM एटम करके ये एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आपको ये एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करनी है, उसे लॉग इन करना है और सेम प्रोसेस ये आपका उसमें अवेलेबल है। आप वहां से किसी की भी पॉलिसी जनरेट कीजिएगा एक बार। इवन मैं एक सजेस्ट करूंगी आप सभी को कि आप सभी लोग अपनी अपनी पॉलिसी क्रिएट कीजिए, जैसे मैंने की है, सेम आप लोग अपनी अपनी पॉलिसी क्रिएट कीजिए। भले ही पेमेंट मत कीजिएगा उसकी, लेकिन लास्ट पेमेंट पेमेंट पेज तक, लास्ट मोड तक जाना भी तो बहुत जरूरी है। हमें पता कैसे चलेगा कि हमें सिस्टम पर काम कैसे करना है, पोर्टल यूज कैसे करते हैं? तो ये तो बेसिक प्रोसेस था हमारा। बात करती हूँ मैं आपको पोर्टल पर, अगेन लेकर चलती हूँ, और भी कुछ चीजें हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कि देखिए ये पोर्टल था जो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले शो किया था, इसी पोर्टल के थ्रू मैंने वो लिंक जनरेट किया था। जी सोनाली जी, डिस्कस कर सकते हैं हम, बताइए। ये जो हम लिंक भेजेंगे कस्टमर को फॉर द पेमेंट, अगर उन्होंने नहीं किया माने मतलब तभी तभी तो वो एक्सपायर हो जाता है? नहीं, अगर मैं बात करूं तो बाकी कंपनीज में लिंक जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 day के लिए वैलिड होता है, 24 hours के लिए, लेकिन स्टार हेल्थ में जो लिंक है वो 2 to 3 days के लिए वैलिड होता है। अगर कस्टमर ने आज पेमेंट नहीं किया है, कस्टमर कल पेमेंट करेगा उस लिंक के ऊपर तो हो जाएगा, बट जब कस्टमर पेमेंट करेगा तो वो लिंक 1 time के लिए रुकेगा और वहाँ नोटिफिकेशन आएगा कि डेट चेंज करना है। तो कस्टमर जैसे ही डेट के ऑप्शन पे जाएगा, वहाँ जैसे अभी जैसे मैंने जो अगर आज लिंक बनाया उसमें 29th of October सिलेक्टेड है,
अगर यही पेमेंट मैं कल करूंगी तो वो ऑटोमेटिकली 30 अक्टूबर को जाएगा, तो वहाँ 30 अक्टूबर सिलेक्ट करना है और पेमेंट मोड पर आ जाना है, तो वो हो तो जाएगा। कस्टमर को डेट चेंज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली कस्टमर को चेंज करना होगा। ओके ओके और वो हो जाएगा। ऑलराइट ओके। और एक कंपनी से ज्यादा इंश्योरेंस मेडिक्लेम ले सकता है कस्टमर, बिल्कुल मतलब ले उनके सकते पास हैं, ऑलरेडी बिल्कुल ले है सकते हैं, ले देखो सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्लेम ओके तो वो किसी एक से ही फाइल करेंगे ना, बट अगर किसी को लेकर रखना है अपने पास, एक से दो, एक से ज्यादा अदर कंपनीज के, तो वो ले सकते हैं। क्लेम तो किसी एक ही से फाइल होगा, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एडमिट हुए हैं अगर वो किसी हॉस्पिटल में, तो क्लेम जो फाइल होगा वो किसी एक ही कंपनी से फाइल होगा, दो दो कंपनी से फाइल नहीं होगा, कंपनी दो दो कंपनीज का अमाउंट नहीं देगी उनको। तो क्लेम तो राइट किसी एक ही से फाइल होगा, भले ही वो दो की जगह चार भी लेना चाहे तो लेके रख सकते हैं, उनकी मर्जी है। ओके ओके ऑलराइट थैंक यू सो मच। ओके जी। इसके अलावा बताइए, किसी अदर को कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह से कुछ ना समझ आया हो पोर्टल के अंदर, हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, अदरवाइज मैं नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी आप सभी को। प्लीज बता सकते हैं, कोई ऐसा हेजिटेशन नहीं है किसी भी तरह की, कोई न्यू है तो डिस्कस कर सकते हैं ओपनली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ये तो प्रोसेस था हमारा भी ऑनलाइन का। अब डिस्कस किया हमने कैश के रिगार्डिंग, अगर किसी ने हमें कैश प्रोवाइड किया है तो कैश हम अपने पास रख सकते हैं, अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, पॉलिसी इश्यू हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं चेक की। अगर किसी, कुछ कस्टमर ऐसे भी मिलेंगे आपको जो ये बोलेंगे कि जी नहीं, मैं तो ऑनलाइन पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, ना तो मैं ऑनलाइन पेमेंट करूंगा ना मैं आपको कैश दूंगा, मैं तो कंपनी के नाम का चेक दूंगा, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चेक भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, आपको उनसे सिर्फ चेक लेना है कस्टमर से, कंपनी के नेम का, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये कंपनी का नेम है, कंपनी के नाम से चेक लेंगे, एक्यूरेट अमाउंट का चेक लेंगे और उस चेक को अपने नियर बाय किसी भी HDFC बैंक में डिपॉजिट कराएंगे। चेक की कॉपी और डिपॉजिट स्लिप आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, लगभग आप सभी के पास मेरा नंबर अवेलेबल है, किसी पास नहीं होगा तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं शेयर कर दूंगी अपना नंबर, आप सभी को अपना वो डिटेल मुझे व्हाट्सअप करना है, और कस्टमर की बेसिक डिटेल्स लाइक कस्टमर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सब कुछ आपको मुझे शेयर करना है। ऑफलाइन प्रपोजल में एक कंडीशन होती है कि ऑफलाइन केसेस में प्रपोजल फॉर्म फिल करके आगे जाता है मेल पर, तो वो प्रपोजल फॉर्म मैं फिल करती हूँ यहाँ से, वो फॉर्म फिल होगा, स्कैन होगा, कस्टमर की आईडी प्रूफ लगेंगे, पेमेंट डिटेल लगेगी और भी जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स है वो सारी डिटेल्स लगेंगी, देन मेल जाएगा कंपनी में आगे, वहां से एक कॉल जाएगी कस्टमर के पास। चेक वाले सभी केसेस में कस्टमर के पास कॉल जाती है कंपनी की तरफ से वेरिफिकेशन के लिए कि आपने चेक जमा कराया है, आपका ये नेम है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, हाइट वेट क्या है, आप एक पॉलिसी परचेज कर रहे हैं स्टार हेल्थ के साथ, तो ये सारी डिटेल्स कंपनी वेरीफाई करती है, इवन ये भी वेरीफाई करती है कि जो फॉर्म उनके पास पहुंचा है उस फॉर्म के ऊपर सिग्नेचर आपने किए हैं, कस्टमर से कंफर्म होता है। तो कोशिश कीजिए कि कस्टमर से सिग्नेचर भी ले सकते हैं, बट अगर किसी केस में कस्टमर सिग्नेचर नहीं दे रहा तो वहाँ नेम कस्टमर का मेंशन हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ कोशिश करनी है क्योंकि कस्टमर का सिग्नेचर वहाँ मेंशन फॉर्म पर लगते हैं, तो यहाँ सिग्नेचर भी जरूर चाहिए होंगे हमें। तो ये कुछ बेसिक डिटेल है चेक के केस में, इतना ही प्रोसेस है चेक वाले केस में, और जिसमें हम कैश जमा करा रहे हैं अकाउंट में, इन दो केसेस में कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन वाले केस में विद इन 10 to 15 मिनट्स पॉलिसी इश्यू हो जाती है। तो बेसिक तो यही प्रोसेस है बस, इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो ये देखिए यहाँ बिजनेस डिटेल्स पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ आप सभी को बिजनेस भी शो होगा, जैसे मेरे पास ये पोर्टल अवेलेबल है, मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेती हूँ लगभग 1 अक्टूबर से लेकर आज 29th of October, कितना हम लोगों ने बिजनेस कर लिया जो मैं ये पोर्टल ओपन कर रही हूँ। ये देखिए मैंने इसको सर्च किया, यहाँ मेरे पास सभी डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स मेरे पास यहाँ शो कराएंगे, सभी का पॉलिसी नंबर दिखेगा, ऑफिस कोड, प्रोडक्ट नेम, कस्टमर का नाम यहाँ दिखेगा। आगे इसको मूव कर लेते हैं, ये देखिए पॉलिसी के स्टार्ट डेट, कितना प्रीमियम पे किया है वो दिखेगा, पॉलिसी कौन सी डेट को एक्सपायर हो रही है वो दिखेगा, फुलफिलर नेम, यहाँ सब कुछ दिखेगा आपको। तो ये है आपका पोर्टल। अब अगर बात करते हैं कमीशन की, तो ये देखिए मैंने कमीशन के ऊपर क्लिक किया तो आपको कमीशन की डिटेल्स भी यहाँ दिखेंगी। मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं, चलिए मैं अक्टूबर सेलेक्ट कर लेती हूँ, ईयर सेलेक्ट किया मैंने 2020, टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं तो मैं वीकली चले जाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ अगर बात करती हूँ तो लगभग वीकली जो कमीशन है वो मूव होता है,
इसके बाद सिलेक्ट वीक करना है, वीक 1 वीक 2। मैंने वीक 1 लिया यहाँ पे, उसके बाद मैं इसको सर्च कर रही हूँ। ये देखिए मेरे पास सभी का यहाँ पर ना कमीशन भी निकल कर आता है। ये देखिए कितना कमीशन मुझे पॉलिसी के अकॉर्डिंग कमीशन कितना मिला है। इस पॉलिसी की बात करूँ तो इतना कमीशन है, इस पॉलिसी की बात करूँ तो इतना कमीशन है, इस थर्ड नंबर की बात करते हैं तो इतना कमीशन है। तो यहाँ सब कुछ आपको शो होगा क्लियरली, आप लोगों को यहाँ मेंशन होता है कि किस पॉलिसी के अगेंस्ट आप लोगों को कितना कमीशन मिल रहा है। मैं अगेन होम पर लेके जा रही हूँ आप सभी को। ये पेज है जहाँ आपका नाम आपके नेम के साथ ये ओपन होता है। बेसिक इतना ही है इस पोर्टल के अंदर, जिसमें मैंने आपको आप लोगों का बिजनेस बता दिया कहाँ शो होगा, आप लोगों का कमीशन शो कर दिया कहाँ शो होगा। अभी रिन्यूअल्स तो किसी का है नहीं, अदरवाइज यहाँ रिन्यूअल्स भी शो करता, तो रिन्यूअल्स आप लोगों के पोर्टल में नेक्स्ट ईयर अपलोड होगा तो रिन्यूअल्स भी आप लोगों को शो होंगे। आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ आपको दो चीजें शो होंगी, एक एटम क्रिएट पॉलिसी और एक पेमेंट लिंक। हम लोग नॉर्मली डिस्कस करते हैं कि हम लोग पेमेंट लिंक बना रहे हैं, पेमेंट लिंक बना रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पेमेंट लिंक से पर क्लिक करके, नहीं देखिए इसके थ्रू लिंक बनाना नहीं, हमें क्रिएट पॉलिसी करना है, हमें पॉलिसी क्रिएट पॉलिसी बनानी है। एटम क्रिएट पॉलिसी, ये देखिए ये हम लोग को एटम क्रिएट पॉलिसी पर जाना है। सेम मैं उसी पेज पर आई हूँ जहां मैंने अपना वर्क स्टार्ट किया था, ये पेज मेरा स्टार्ट हो गया, ठीक है। कि इतना ही प्रोसेस है इसके अंदर, तो अब आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करना है। इवन मैं आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों की अपनी खुद की पॉलिसी नहीं है तो प्लीज एक एटलीस्ट एक छोटी पॉलिसी ही सही, 3 लाख 4 लाख 5 लाख की छोटी पॉलिसी ही सही, बट एटलीस्ट अपनी एक पॉलिसी लेके अपनी फैमिली को और अपने आप को सिक्योर कर लीजिए। बिकॉज आज की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा लाइक बाहर खराब है, कोरोना के चक्कर में भी, और किसी भी तरह की हेल्थ की अगर बात करते हैं तो हेल्थ को लेके भी किसी को नहीं पता होता कि कभी भी कोई इमरजेंसी आ जाती है। तो एक एक पॉलिसी लेके अपनी फैमिली को अपने आप को सिक्योर करके रखिए प्लीज। बेसिक नॉलेज इतना ही था, मैंने आपको चेक का बताया, कैश का बताया, ऑनलाइन का बताया, इतना ही प्रोसेस है। एक चीज और है, मैंने आप सभी को व्हाट्सएप पर एक PDF शेयर किया था डिटेल्स, फॉर्मेट ऑफ डिटेल्स का, वो फॉर्मेट आप लोग सभी अपने पास रखिएगा। उसमें आपको एक बेसिक चीज की रिक्वायरमेंट है, जब भी आप कभी किसी की पॉलिसी लॉग इन करेंगे तो वहां पर आपको कस्टमर की कुछ डिटेल्स ऑलवेज अपने पास हैंडी रखनी है, जिसमें आपको कस्टमर का नेम, प्रॉपर नेम एज पर ID प्रूफ, कस्टमर का नेम, उनका डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, ईमेल ID, कॉन्टेक्ट नंबर, उनका एड्रेस, ऑक्यूपेशन, उनका क्या ऑक्यूपेशन है, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, अप्रोक्सीमेट एनुअल इनकम कितने हैं, ये कुछ डिटेल्स आपको वहां पर अपने पास हैंडी रखना है। इवन ये भी लिखना है आपको अपने साथ में कि कस्टमर को कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है, अगर है तो किस चीज की है, कौन सी मेडिसिन लेते हैं, कितना टाइम पहले हुई थी, तो ये बेसिक डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। तो कोई भी पॉलिसी लॉग इन करने से पहले ये डिटेल्स अपने पास हैंडी रखिएगा प्लीज। पोर्टल की ट्रेनिंग इतनी ही थी, अभी आप लोग बताइए मुझे, अगर आप लोगों में से किसी को कोई कंफ्यूजन है किसी भी तरह का तो हम डिस्कस करेंगे। इवन यहाँ नहीं डिस्कस करना चाहेंगे तो सभी के पास मेरा नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग ट्राई कीजिएगा अपनी अपनी पॉलिसी बनाने की, एटलीस्ट लॉग इन करके देखिए, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम फोन पर, कोई कंफ्यूजन रहेगा कोई प्रॉब्लम होगी किसी भी तरह की। बताइए इतना क्लियर है सभी को? हेलो जी बताइए। जी बताइए मैम, जो PD में मेरे को मेडिसिन ऐड करनी है या मतलब केवल डिजीज जो है वो उनका नाम मेंशन करना है? आप दोनों कर सकते हैं, डिजीज का नेम वहाँ मेंशन कर सकते हैं और मेडिसिन कस्टमर कौन कौन सी ले रहा है वो भी मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मेडिसिन मेंशन नहीं करेंगे तो वो MER में जाएगा, कंपनी आपको मेल करके या कस्टमर को मेल करके डिमांड करेगी कि कस्टमर मेडिसिन कौन सी लेता है। तो बेटर है ना आप फर्स्ट स्टेप में उसे क्लियर कर दो, अगर हाइपरटेंशन है, BP है, तो वहाँ लिख दीजिए BP सिंस लास्ट 3 to 4 ईयर और मेडिसिन कौन कौन सी है, एक या दो जो भी मेडिसिन होती होंगी उनकी उनके नेम वहाँ मेंशन कर दीजिए, कंपनी आपसे डिमांड ही नहीं करेगी अगेन कुछ, ठीक है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं इसको। इसके अलावा मैं 2-3 चीजें और डिस्कस कर लेती हूँ आप सभी से। मेरे पास यहाँ गैलेक्सी J7 मैक्स शो कर रहा है, एक F1BC0C13 शो कर रहा है, एक OPPO A5S शो कर रहा है। एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, जो अगर मैं बात करूँ हम लोगों के थ्रू जो ट्रेनिंग होती है, एक तो हम लोग लाइव ट्रेनिंग में बिलीव करते हैं, फेस टू फेस आप सभी ने अपना कैमरा ऑफ किया हुआ है, मैं कैसे आप लोगों से आई कॉन्टेक्ट में बात करूंगी ये बताओ। जब तक आप सभी का कैमरा ऑफ होगा मैं आप लोगों से लाइव बात कैसे करूंगी ना, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप जो मुझसे डिस्कस कर रहे हैं आप कितना समझ रहे हैं और कितना नहीं समझ रहे हैं। तो प्लीज कोशिश कीजिए कि कैमरा ऑन रखिए,
सेकेंडली आप लोग सभी जब लॉग इन करते हैं तो अपने नाम के साथ लॉग इन कीजिए प्लीज. जैसे मेरे पास यहाँ कल्याण कुमार शो हो रहा है, रूपम जी शो हो रहा है, मनोज भागवत जी शो हो रहा है, इसके आगे भी मेरे पास और भी बहुत लोग थे तो सभी का नाम शो हो रहा है, लेकिन यहाँ तीन चार लोग कुछ ऐसे जिनका नाम शो नहीं है. तो प्लीज मुझे कैसे पता चलेगा ना इस ट्रेनिंग में कि मेरे पास यहाँ जिन भी लोगों ने ज्वाइन किया वो कौन कौन है? गैलेक्सी J7 नहीं पता कौन है मेरे साथ में, ओप्पो A5S कौन है नहीं पता. तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट टाइम जो भी ट्रेनिंग लेंगे आप हमारे थ्रू अपने नाम के साथ लेंगे और लाइव रहकर बात करेंगे, हमसे वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात करेंगे, ताकि हमें भी अच्छा लगे आपको ट्रेनिंग देने में. और इवन एक चीज और, क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, कन्वर्सेशन होनी चाहिए. कन्वर्सेशन नहीं होगी और मैं ऐसे बोलती रहूंगी तो मुझे कैसे इंटरेस्ट आएगा ट्रेनिंग देने में, और मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को क्लियर भी हुआ या नहीं. तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज इसे रिक्वेस्ट समझ लीजिएगा मेरी, कि एक तो अपने नाम के साथ लॉग इन करना है, दूसरा अपनी वीडियो ऑन रखना है, ताकि मैं आप लोगों को लाइव देख सकूं कि हाँ मैं आप लोगों से डिस्कस कर दूं, आप लोगों को ट्रेनिंग दे रही हूं. अदरवाइज मेरी ट्रेनिंग देने का पर्पस डिफीट हो जाएगा. सॉरी मैम, एक्चुअली हेलो. हाँ बताइए. हेलो जी. मेरा नाम नंदकिशोर शिंदे, एक्चुअली मैं लेट आया था, जल्दबाजी में लॉग इन किया तो आईडी जनरेट नहीं कर पाया. कोई बात नहीं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है. तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मीटिंग तो काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है, तो मीटिंग तो अभी एंड पर आ चुकी है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है. पर्सनली आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, आपके पास मेरा नंबर अवेलेबल है? जी मैम. ठीक है, बस आप मुझे पर्सनली कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं कॉल बैक कर लूंगी आपको. मैं आपको कॉल पर जो है डिस्कस करके बता दूंगी आपको अपना पोर्टल का आईडी पासवर्ड कैसे जनरेट करना है. इवन अगर कोई और भी ऐसा है जिन्होंने अपना आईडी पासवर्ड नहीं बनाया है या नहीं पॉसिबल हो पाता है, नहीं बन रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर लीजिए, मैं गाइड कर दूंगी. यहाँ तक कि आप लोगों को अगर फैंस की नॉलेज नहीं है या अभी थोड़ा कम नॉलेज है तो कोई तब भी कोई ऐसा इशू नहीं है, आप लोग अपने कस्टमर से मेरी कॉन कॉल पर बात करवा लीजिए, मैं कस्टमर से बात करूंगी, उन्हें सारे प्लान्स की नॉलेज दे दूंगी, उन्हें कितना प्रीमियम जाएगा, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, वो सब मैं उन्हें उनके साथ लाइक डिस्कस करूंगी. उन्हें पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन्हें क्लोज करूँ, और वो पॉलिसी आप ही के कोड में बुक होगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ. डोंट वरी अबाउट इट कि वो पॉलिसी, अगर आपने मुझे कोई कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किया तो वो पॉलिसी कहीं अदर जाएगी, डोंट वरी. मैं कंपनी में काम करती हूँ, इतनी बड़ी कंपनी के साथ नाम खराब नहीं कर सकती, अपना भी और कंपनी का भी. तो वो सभी आप ही के कोड में बुक होगा, इस चीज के लिए प्लीज टेंशन फ्री रहिएगा. आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ. और बताइए किसी को किसी तरह की अब कोई कंफ्यूजन है, इसके अलावा कोई और प्रोसेस समझना है, डिस्कस कर सकते हैं हम. क्लियर है इतना सभी को? मीटिंग एंड करें हम लोग. चलिए अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर हम लोग अपनी मीटिंग को एंड कर लेते हैं एक बार, और उसके बाद अगर कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो प्लीज कॉल कर लीजिएगा. यहाँ तक समझ आया आज सभी को? पोर्टल क्लियर हो गया? yes. नॉलेज मिल गई सभी को? यस मैम. वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए जी, ओके जी, सबको बाय बाय.